हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में सिंगल पेज मोटर का बहुत जगह उपयोग किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, वॉशिंग मशीन और वाटर कूलर। तो बहुत बार मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल दोष के कारण मोटर खराब हो जाती है, और फिर बहुत से दोष जैसे कि शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, इसके कारण भी मोटर की जो वाइंडिंग है जल जाती है। तो सिंगल पेज एसी मोटर को वाइंडिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से प्रैक्टिकली रूप से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको मोटर को रिवाइंडिंग करना है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एसी मोटर के बारे में, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो नेम प्लेट है, ठीक है ना। ये जो मोटर है जो आपको दिख रही है, वो इंडक्शन मोटर है और 2 SP की है, जो RPM भी दे रखा है इसके ऊपर 1440 RPM है। तो आज हम मारुगुदा इलेक्ट्रिक दुकान है जिसे डूंगराम से मिलते हैं, अपन बात करते हैं इस मोटर को किस तरीके से बांधा जाता है और किस प्रकार से बाहर से अपने को कनेक्शन करना है, वो भी अपन आज पूरी डिटेल से देखेंगे यहाँ पे। तो बताइए डूंगराम जी। नमस्कार जी, ये मोटर एक दो दो की मोटर है, जो शक्के की मोटर है। इसमें ये इसमें 8 तार निकले हुए हैं, जो दो इस तार से इस तार में रिवाइंडिंग का होता है। ये बाहर का कनेक्शन है और ये अंदर का कनेक्शन है। तो अंदर का कनेक्शन अंदर में होगा और बाहर का कनेक्शन बाहर में होगा। ये हो गया, इस दो पीछे बस गए, ये पीछे बाहर निकाल दीजिए, ये दो बाहर निकल गए। तो ये तो हो गए मेन चार्जर और ये हो गए रिवाइंडिंग, जिसमें 2 तार पे तो 6 लगेगा और 2 तार पे मेन तार लगेगा करंट का। ये आपको दिख रही है इसका स्टेटर, ये स्टेटर है। 4 पोल आपको दिख रहे हैं, ये 1 पोल हो गया, ये 2 और ये 3। और अब जो ये अपने जो वाइंडिंग स्थापित की है वो है रनिंग वाइंडिंग, यानी कि अपन बोलते हैं मेन वाइंडिंग। अब इसमें 4 कॉइलें अपने अलग अलग स्थापित की है, जैसा कि आपको दिख रहा है रनिंग वाइंडिंग के अंदर। और 4 कॉइल के, 1 कॉइल के कितने सिरे होंगे, 2, और अपने डबल वायर लिया है तो अपने को डबल वायर दिख रहा है, ठीक है ना। अब 4 कॉइल के अंदर अंदर वाली जो सिरे है वो कॉमन कर देंगे, और बाहर वाले सिरों को कॉमन करके 2 सिरे बाहर की तरफ अपन निकाल देंगे। इस वायर के ऊपर से पूरा इंसुलेशन हटाने के बाद में इसको कॉमन करके अपन आगे जोड़ेंगे। ये दोस्तों आमने सामने कनेक्शन हो रहा है, अंदर के अंदर है, बाहर का हो गया, एक साइड का हो गया, दूसरी साइड हो रहा है। इतना मजबूत करने का कि चलने पर ये कभी तकलीफ नहीं पा, इसके पर जंग नहीं आए। दो हो गए और दो पीछे बचे, ये 2 हो गए। अभी बसे हैं 4 तार, 4 तार में से 2 तार और हो जाएगा और 2 तार बाहर निकल जाएंगे। अभी ये दोस्तों ये वाला, ये 2 बार वाले तार है, ये कनेक्शन होगा, ये मेन सप्लाई दोनों से, ये 2 वायर मेन सप्लाई, मेन सप्लाई।
जैसा कि दोस्तों ये जो दो वायर दिख रहे हैं वो रनिंग वाइंडिंग के हो जाएंगे, यानी कि मेन वाइंडिंग के हो जाएंगे। और जैसा कि ये दो वायर पीछे बसे हुए हैं, इनका भी अपन कनेक्शन कर लेते हैं। स्टार्टिंग जैसा कि दोस्तों आपको ये दिख रहा है पूरा स्टेटर मोटर का, ठीक है ना, ये सिंगल पेज मोटर है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करते हैं, यानी कि उसमें क्या होगा, टर्न जो है वो ज़्यादा होंगे और वायर का गेज होगा वो क्या होगा, पतला होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा होगा, पता चल रहा होगा, यानी कि जो अंदर वाली वाइंडिंग है वो है रनिंग वाइंडिंग और जिसको बोलते हैं अपन मेन वाइंडिंग बोलते हैं, और उसके जो टर्न होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो वायर की मोटाई साइज होती है, मोटाई होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है। और इस प्रकार से हमने रनिंग वाइंडिंग यानी कि मेन वाइंडिंग को स्थापित कर लिया है। और अब आगे अपन देखेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को किस प्रकार से इन स्लॉटों के अंदर डालना है और किस प्रकार से उनका भी कनेक्शन करना है, वो अपन आगे बात करने वाले हैं। तो जुड़े जो पॉल बन रहे हैं वो कितने पॉल है, चार पॉल है, एक एन एस और एन एस विपरीत में हो गए। और ये जो आपने यहाँ पे देख रहे होंगे पूरी, इसको बोलते हैं इंसुलेटेड के लिए, यहाँ पे लगे ये स्लीव बोलते हैं। और ये जो स्लॉट को इंसुलेटेड करने के लिए यहाँ पे लेदराइट पेपर भी डाला है यहाँ पे, जैसे कि ये आपको दिख रही है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और इसको अपन क्या करते हैं वापस स्लॉट के अंदर डाल रहे हैं। तो आपको किस प्रकार से स्लॉट के अंदर स्थापित करना है और क्या सुरक्षा रखनी है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले लेदराइट पेपर डालना है, क्योंकि वाइंडिंग जिससे कि बॉडी से इंसुलेटेड रहेगी, यहाँ पे सभी वायर एक साथ में नहीं जा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे एक एक दो दो वायर को लेके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि जो इसमें स्लॉट के टाइप है तो स्लॉट के तीन प्रकार के स्लॉट होते हैं, एक बंद टाइप के, एक खुले टाइप के, एक अर्ध खुले। धीरे धीरे अपने वाइंडिंग को स्थापित करना है, ज़्यादा दबाव भी नहीं देना है, क्योंकि ये जो वायर है इंसुलेटेड होता है, लेकिन इसके ऊपर से थोड़ा सा भी इंसुलेटेड हट गया तो बॉडी से टच हो जाएगा, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, मोटर जल भी सकती है। और वाइंडिंग डालने के बाद में ये जो आपको स्लीव दिख रही है उसके ऊपर वापस डालना है। थोड़ा सा धीरे से इसको ऊपर से मारना है, अगर नहीं जा रहा है सही तरीके से। तो इसमें थोड़ी सी आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी सी कहीं से भी वाइंडिंग लीकेज हो गई तो बॉडी के साथ टच हो जाएगी और लीकेज हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट भी होने की बहुत संभावना रहती है। तो
कनेक्शन करते समय आपको वाइंडिंग डालते समय बहुत सुरक्षा रखनी पड़ती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पहले अपने क्या किया था, रनिंग वाइंडिंग स्थापित की थी। ये जो आपको दिख रही है, ये अपने सबसे पहले क्या किया, रनिंग वाइंडिंग को स्थापित किया। अब क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्थापित कर रहे हैं। और आपको पता है स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होती है उसका वायर का गेज है वो पतला होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये पतला, और ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके वायर का गेज थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है ना। और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें आपको ये भी पता होगा टर्न भी कम होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके टर्नों की संख्या हमेशा अधिक होती है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध क्या होता है, हाई होता है। तो पहले अपने क्या किया, रनिंग वाइंडिंग डाली है। और रनिंग वाइंडिंग जो सिंगल फेज में वाइंडिंग के बहुत प्रकार होते हैं, और जो रनिंग वाइंडिंग अपने डाली है वो किस प्रकार की वाइंडिंग है, कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग। किस प्रकार की वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग है, जो कि अपन बोल सकते हो उसको नॉन ओवरलैप वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाइंडिंग का जो टाइप है, जो कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती है। तो इस तरीके से पहले आपको क्या करना है, इस वाइंडिंग को डालने के बाद में अपने क्या किए, ये चार वायर बाहर निकाले हैं, और उसके बाद में अपना अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अब जैसा कि दोस्तों अपन कर रहे थे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रिवाइंडिंग, और उसमें अपने क्या किया था, पहले जो रनिंग वाइंडिंग थी जिसको अपन मेन वाइंडिंग बोलते हैं उसको स्थापित किया था, और उसके बाद में अपने अभी किया है स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्थापित। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं वो अपन यहाँ पे बात करते हैं। जिस तरीके से अपने मेन वाइंडिंग में चार पोल क्रिएट किए थे उसी प्रकार से अब स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी उसी प्रकार अपन चार पोल यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है एक ये पोल, एक ये पोल, एक दूसरा ये पोल, और इसके सामने और ये पोल हो गया, यानी कि यहाँ पे चार पोल बन गए एक दूसरे के सामने। ये एन है तो दूसरा एस बन गया, और ये एन है तो इस साइड का एस बन गया। यहाँ पे क्या किया, एक कॉइल के दो सिरे निकल रहे हैं, जैसे कि एक ये और एक ये, ठीक है, और दूसरा इसके ये और इसके सामने एक ये था, ठीक है। इस तरीके से एक कॉइल में से दो सिरे निकल रहे हैं, इस तरीके से अपने चार कॉइल इसके अंदर डाली है, तो यानी कि कुल मिला के टोटल स्टार्टिंग वाइंडिंग के कितने सिरे निकलेंगे, आठ सिरे निकलेंगे। अब इस वाइंडिंग का पहला सिरा उस वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ेंगे, और इस वाइंडिंग का वापस दूसरा सिरा इसके साथ में, जैसे कि अपन कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इसके साथ में। अब यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, अपन इंसुलेशन हटा रहे हैं। अब इंसुलेशन हटाने का कारण ये है कि अगर अपन इससे इंसुलेशन नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, जो इसमें से करंट प्रवाहित होगी ही नहीं इसमें से, ठीक है ना। इसी कारण अपने क्या किया, इसके ऊपर से पहले इंसुलेशन हटा दिया है, क्योंकि ये जो वायर होता है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होता है वाइंडिंग के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी कि ये इंसुलेटेड युक्त वायर होता है, और यहाँ पे अपने सबसे पहले यहाँ पे स्लीव डाल दी है। स्लीव डालने के बाद में इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ देते हैं। अब अपने अगली कॉइल जो वाइंडिंग है उसके सिरे भी इस तरीके से इंसुलेटर हटा देते हैं पहले, और उसके बाद में इनको भी कॉमन कर देते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, इस वाइंडिंग का पहला सिरा और उसका वापस क्या करेंगे, दूसरा से पहले सिरे से अपन कनेक्ट करेंगे, यानी कि आपस में यहाँ से नहीं कनेक्ट करेंगे, आगे वाला सिरा लेंगे। ये जो इस वाइंडिंग का यहाँ पे एक पहला सिरा है, और ये छोड़ के उसके आगे वाले सिरे से अपन क्या करेंगे, कॉमन करेंगे यहाँ पे।
तो स्लीव डालते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वायर कहीं से सील न जाए। इन दो सिरों को क्या करेंगे, अपन बाहर निकाल देंगे टर्मिनल बॉक्स पर। अब आपको पता है अपने दो दो वायर निकाले थे रनिंग वाइंडिंग यानी कि सीरीज वाइंडिंग के वायर बाहर निकाले थे, तो उनको अब क्या करते हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप से देखते हैं। अब क्या पता चल रहा है अपने को, अब यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से अपन सह कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीरीज टेस्टिंग लैंप से देख रहे हैं कि कहीं बॉडी से अपन वाइंडिंग की वो टच तो नहीं है, ठीक है ना, बॉडी से लीकेज तो नहीं है, ये देख रहे हैं सह कर रहे हैं अपन साथ में। तो आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड किस प्रकार से बनाना है वो भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों को आपस में और प्लस बॉडी के साथ में सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा अपने को सह करना है कि कहीं अपने वाइंडिंग कर की है वो कहीं से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, क्योंकि जब भी अगर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई जब भी अपन मोटर शुरू करेंगे तो पूरी मोटर जल सकती है। इसकी सुरक्षा के लिए अपने को क्या करना है, सीरीज टेस्टिंग लैंप से पहले सह करनी है मोटर की वाइंडिंग को, उसके बाद में अपने को कनेक्शन देके मोटर को चलाना है। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के है उसके सिरों की पहचान आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए अपने क्या किया आगे पीवीसी कॉपर वायर को जोड़ दिया है, ठीक है। अब उसको अपन बाहर निकालेंगे और सुरक्षा के लिए अपन क्या करते हैं इसके ऊपर स्लीव को जोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं बॉडी से टच नहीं हो जाए जो सिरे अपने वहाँ से जॉइंट किए हैं। अगर बॉडी से टच हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वाइंडिंग। अब जो दोनों सिरे थे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के, दोनों सिरों पर अपने दूसरा वायर पीवीसी कॉपर वायर जोड़ के बाहर निकाल दिए हैं, और अब आपको आराम से दिखता होगा कि कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग और कौन सी रनिंग वाइंडिंग है, क्योंकि अपने को पता है जो पतले वायर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और जो मोटा वायर है वो रनिंग वाइंडिंग के सिरे हैं। अब इसको अब पता लगाने के लिए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से किस प्रकार से अपन सह कर सकते हैं कि भाई ये रनिंग वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग है वो भी हम आपको बताएंगे। टेस्टिंग बोर्ड से अब आपको कैसे पता करना है कि कौन सी रनिंग और कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो भी आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से आसानी से सह। यहाँ पे अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में एक लेदराइट पेपर डाल रहे हैं, कभी भी बाई चांस जो वाइंडिंग है थोड़ी सी गर्म होके आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं हो, ये सुरक्षा के लिए डाल रहे हैं। यहाँ से अपने को अभी आपको बहुत आसानी से पता चल रहा होगा कौन सी स्टार्टिंग और कौन सी रनिंग वाइंडिंग है। जो इसके पीछे की साइड में कर रखी है वो है रनिंग वाइंडिंग, जो ऊपर कर रखी है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग। आराम से आपको दिख रहा होगा ये जो वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग होगी यानी कि मेन वाइंडिंग, और ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और ये जो आपको दिख रहा है स्लॉट है जिसने जिसमें अपन बोलते हैं इसको खांचे भी बोल सकते हैं, इसके अंदर अपने वाइंडिंग कॉइल को डाला है। अब ये 100 स्लॉट की मोटर है और ये जो वाइंडिंग कर रहे हैं अपन, इस वाइंडिंग का प्रकार है कॉन्स्टेंट वाइंडिंग या फिर अपन बोल सकते हैं नॉन ओवरलैप वाइंडिंग, यानी कि ये वाइंडिंग एक दूसरे वायरों पर ओवरलैप नहीं हो रही है। अब आपको आसानी से पता चल रहा होगा कौन सी स्टार्टिंग और कौन सी रनिंग वाइंडिंग है। ये पूरा स्टेटर है इसको बोलते हैं, इस पूरे भाग को अपन बोलते हैं स्टेटर यानी कि स्थिर रहने वाला भाग। इसके अंदर जो भाग होता है उसको बोलते हैं अपन रोटर, जो इसमें घूर्णन करता है वो भाग कौन सा होता है, रोटर घूमने वाला, और स्टेटर होता है स्थिर रहने वाला भाग। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, वार्निश वगैरह सटाएंगे जिससे कि जो ये
वाइंडिंग है पूरी मजबूत बन जाएगी। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, पहले धागे से बांध लेंगे। अब कोई लड़के पूछ रहे थे, इसमें जो कोवाइल होती है उसकी दो साइड होती हैं, आपको पता है, एक होती है अनएक्टिव साइड और एक होती है एक्टिव साइड। यानी कि ये जो स्लॉट के बाहर की तरफ दिख रही है वो अनएक्टिव साइड, और ये जो स्लॉट के अंदर की साइड में दिख रही है उसको बोलते हैं एक्टिव साइड। यानी कि जो एक्टिव साइड होती है उसके अंदर ही अपना EMF उत्पन्न होता है। अब इस पूरी वाइंडिंग को अपने धागे से पूरी काबू कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इसमें आर्मेचर वगैरह घूमेगा तो ये वाइंडिंग बीच में से कहीं आपस में, पूरी तरीके से वाइंडिंग को मजबूत करने के लिए अपने धागे से बांध रहे हैं। धागे से बांधने के बाद में अपन इसके ऊपर क्या करेंगे, वार्निश, जिसको अपन बोलते हैं अपनी भाषा में, इलेक्ट्रिक भाषा में, शैलाक, ठीक है ना, तो उसको लगाएंगे। और उससे क्या होता है, वार्निश लगाने का कारण ये है कि अपने जो कोवाइल वगैरह डाली है इसके अंदर, तो कोवाइल डालते समय कहीं से वाइंडिंग का जो वायर है, कॉपर, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, तो इस वायर की कहीं से इंसुलेशन हट गया है, तो उस पर वार्निश डालेंगे तो अपने जो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे धागे को पूरी तरीके से बांधना है जिससे कि जो वाइंडिंग है बढ़िया तरीके से काबू हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में